हेलो गाइस, वेलकम टू कंप्यूटर नर्ड्स। आज ही हमारा ट्यूटोरियल नंबर है 6 और हम देखने वाले हैं फॉर लूप्स के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लूप्स। तो फॉर लूप बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लूप क्या होता है। लूप का मतलब होता है हमारा किसी भी चीज में रिपीट करना जब तक उसको कोई कंडीशन उसकी मैच ना हो जाए। ठीक है, तो लूप क्या होगा हमारा। लूप एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो यूज होता है रिपीट, क्या रिपीट करने के लिए, एक गिवन सेक्शन ऑफ कोड अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, समझ में आया। मतलब कोई भी कोड को सर्टेन नंबर ऑफ टाइम तक रिपीट करने के लिए जो चीज यूज होती है उसको बोलते हैं लूप। तो अब हम देखने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप क्या होता है। द फॉर लूप इन पाइथन इज यूज टू इटरेट ओवर अ सिक्वेंस लिस्ट टपल एंड स्ट्रिंग, इन तीनों के अंदर उसको इटरेट करने के काम आता है और अदर इटरेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा फ्लो चार्ट है फॉर लूप का, कैसे काम करता है फॉर लूप। मान लीजिए हम कोई फॉर सीक्वेंस लिखते हैं, ठीक है, तो वो कंडीशन चेक करेगा क्या लास्ट आइटम उसको मिला, यानी कंडीशन की लास्ट आइटम उसको मिला। अभी नहीं मिला तो वो जाएगा दोबारा बॉडी ऑफ फॉर में, इसी चीज में। ठीक है, बॉडी ऑफ फॉर एग्जीक्यूट होगी फिर वो दोबारा उसको रन करेगा। ठीक है, जब उसको वो कंडीशन उसकी मिल जाएगी यस, तो वो एग्जिट हो जाएगा। तो ये है हमारा लूप, फॉर लूप। ठीक है, तो इटरेटिंग ओवर सीक्वेंस इज कॉल्ड ट्रैवर्सल। अगर हम किसी सीक्वेंस में इटरेट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम ट्रैवर्सल। ठीक है, चलिए अब हम सीखेंगे मतलब कुछ बेसिक प्रोग्राम से फॉर लूप कैसे यूज किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, अपना पाइथन आईडीली खोल लेते हैं। तो अपना पाइथन आईडीली ओपन कर लीजिए। ठीक है, ओपन हो गया। अब इसमें फाइल में न्यू फाइल ओपन कीजिए। ठीक, उसको आप सेव कर दीजिए। फाइल में जाइए और सेव कर दीजिए। ठीक, तो मैंने सेव कर दिया फॉर लूप डॉट पी वाई के नाम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना लूप चलाएंगे एक लिस्ट पे। तो एक लिस्ट बनाते हैं, मान लीजिए हमने लिस्ट में नंबर दे दिए ये। ठीक है, हमने एक लिस्ट बनाई है। अब हमको क्या करना है, हमको ये सारे नंबर प्रिंट कराने हैं, मीन्स लिस्ट में इटरेट करना है। तो क्या करेंगे, फॉर लूप लिखेंगे, फॉर एक वेरिएबल लेंगे आई। ठीक है, और लगाएंगे इन, इसका मतलब हुआ हम आई फॉर लूप चलाएंगे। आई एक वेरिएबल होगा जो इन किस में जाएगा, लिस्ट वन के अंदर। ठीक है, और क्या कराना है, प्रिंट करा देना है आई को। ठीक, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि हमको आई को इटरेट करना है ओवर द सीक्वेंस लिस्ट में, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे करके। चलिए इसको रन कराते हैं, पहले सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से और फिर इसको कराते हैं रन। ठीक है, तो ये देखिए, ये होगा रन हमारा। तो जैसे मैंने आपको बताया था फॉर लूप कैसे चलता है, देखिए 1 प्रिंट करा, 2 प्रिंट करा, 4 6 7 8, तो सारी लिस्ट के आइटम इसने प्रिंट कर दिए। तो ये हो गया हमारा फॉर। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं नेचुरल नंबर प्रिंट कराना। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। हमको सबसे पहले चलिए 10 तक प्रिंट कराते हैं, 1 to 10। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक रेंज होता है, एक रेंज फंक्शन होता है जो इटरेट करता है मतलब ओवर अ सीक्वेंस, मींस उसको एक रेंज दे दी जाती है उसमें हम। तो चलिए पहले लिखते हैं उसके बाद समझेंगे। फॉर मान लीजिए हम आई वेरिएबल लिख लेते हैं, आई इन रेंज। रेंज में हम क्या करेंगे, रेंज कराएंगे 1, 10। ठीक है, और प्रिंट आई। ठीक, चलिए इसको रन करा के देखते हैं। एक सेकेंड, तो ये देखिए, ये हो गया हमारा प्रिंट। लेकिन ये कहां तक हुआ, 9 तक। ये ऐसा क्यों हुआ, रेंज में हम दो चीज पास करते हैं, एक होती है हमारी स्टार्ट इंडेक्स और एक होती है हमारी एंड इंडेक्स। लेकिन जो
रेंज के अंदर हम क्या पास करते हैं, स्टार्ट इंडेक्स, स्टार्ट एंड, ठीक है। लेकिन जो एंड होता है उसको हमें एक एक्स्ट्रा पास करना होता है, क्योंकि एक कम तक चलता है। अगर हम 10 पास करते हैं तो ये 9 तक चलेगा, और अगर हम 11 करेंगे तो 10 तक प्रिंट करेगा। ठीक, समझ में आया, ये हो गया हमारा ये, ठीक है। अगर हम इसमें कुछ पास नहीं करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होगा, तीन कंडीशन होती है रेंज की, या तो हम सिंगल ये जो मैंने पास किया ये सिंगल से चलाएं, या फिर जो स्टार्ट इंडेक्स एंड पास, स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स पास करके चलाएं, या फिर एक और कंडीशन उसमें एक हम उसका वो देते हैं कि मतलब इतने का तुम्हें, इतने इटरेट के बाद तुम्हें प्रिंट करना है। मतलब कि सपोज हमको प्रिंट कराने हैं इवन नंबर्स, मीन्स 2, 4, 6, तो इसमें कितने का डिफरेंस है, 2, 2 का डिफरेंस है। तो अगर हम डिफरेंस दे दें इसको तो तीसरे नंबर पे क्या देते हैं हम डिफरेंस, ठीक है, मान लीजिए 2 का डिफरेंस देते हैं। तो पहले हम सिंगल से प्रिंट करा के देखेंगे क्या होता है, ठीक है। एक सेकेंड इसको रन कराते हैं, रन कराया मैंने तो इसने 0 से लेके 10 तक प्रिंट कर दिया। तो क्या हुआ, जब हम कुछ पास नहीं करते तो स्टार्ट इंडेक्स क्या होती है हमारी 0, और रेंज जो एंड था वो हमारा जो मैंने बताया वही है, एक कम तक चलता है उससे, 10 तक चला ये 10 तक, ठीक है। अब वही वाला कंडीशन देखते हैं, तीन वाली, 2 से स्टार्ट करते हैं हम प्रिंट कराना, और वो लेंगे हम जो डिफरेंस होगा वो 2 का, ठीक है। तो अब हम इसको रन कराते हैं, तो देखिए क्या हुआ, 2, 4, 6, 8, 10, तो क्या हुआ डिफरेंस 3 का आया। तो ऐसे काम करता है हमारा फॉर लूप, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि आपको क्या समझ नहीं आया, ठीक है। और चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। तो ऐसे हम कमेंट में होमवर्क लिख रहे हैं, आपका होमवर्क में आप क्या कराइए, मैंने यहाँ पे करा इवन नंबर, अब आप कराइए 3 के डिफरेंस से। होमवर्क है हमारा आपका कि आपको प्रिंट कराने हैं प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 5 to 100, 5 to 100 प्रिंट कराने हैं, लेकिन किसके डिफरेंस से, विद द डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ 7, ठीक है, 7 का डिफरेंस आपको कराना है। और ये आपका होमवर्क है, अगर आपको कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो आपको होमवर्क कंप्लीट करना है आपका, और आपको प्रैक्टिस से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो जब आप ये सॉल्व कर लें तो कमेंट में अपना आंसर पोस्ट करें, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ठीक है। और कमेंट में अपने डाउट पूछें, जो भी आपके डाउट्स हैं। थैंक यू सो मच।